नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज आप सभी का मेरे इस चैनल कंक्वेस्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में दरोगा के पद और सार्जेंट के पद के लिए भर्ती निकली है उसके एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखेंगे। कैसे क्या प्रावधान है, कितने प्रकार के एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या एग्ज़ाम होंगे, एग्जामिनेशन की क्या क्राइटेरिया है, साथ ही साथ फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो यह भर्ती बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in है। अब क्या है, आवेदन जो 16/8/2020 रविवार से इसकी प्रारंभ हो गई है, फॉर्म इसका भरा जा रहा है। आप जा करके उस वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्ट ही फॉर्म फिलअप वाले पेज पर जा सकते हैं वहां से क्लिक करके। अंतिम तिथि 24/9/2020 रखी गई है जो कि दिन गुरुवार है। विज्ञापन संख्या 3/2020 है और इसमें पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी सार्जेंट के पदों की भर्ती निकाली गई है। तो जो दोनों का वेतनमान लेवल 6 ही है और रिक्तियों की संख्या PSI में 1998 और सार्जेंट की 215 सीटें हैं। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकृत किया जाएगा और एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र दोनों के लिए भरा जाएगा और उसमें आपको प्रिफ्रेंसेज चॉइस करना है कि आप पहले PSI देते हैं या सार्जेंट का पद देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित परीक्षा होगी। तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरण में कराई जाएगी, एक प्रारंभिक एवं एक मुख्य परीक्षा होगी। परीक्षा पत्र जो है, दोनों पत्र मतलब कि दोनों चरण जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों से होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा आपका। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का होगा एक पत्र, जिसमें कि कुल संख्या प्रश्नों की 100 होगी और अवधि 2 घंटे की होगी और उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पर क्या है, कंक्वेस्ट ज्ञान पर आपको यह पूरा सिलेबस प्री और मेन सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसमें क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में 30% कम से कम अंक लाना है और अगर इससे कम आता है तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना लोगों को, सफल अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। किसके लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। अब मुख्य परीक्षा में क्या होगा, वहाँ पर भी 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहला हिंदी का सामान्य हिंदी, 2 घंटे का, 200 अंकों का, 100 प्रश्न होंगे। इसमें न्यूनतम 30% आना अनिवार्य है और ये सिर्फ आपको इसे न्यूनतम 30% पार करना है, मतलब 30 नंबर आपको क्रॉस कर लेना है इसमें, क्योंकि इसका जो प्राप्तांक है वो मेधा निर्धारण में जो मेरिट लिस्ट है उसमें जुड़ेगा नहीं। और जो द्वितीय सामान्य अध्ययन का प्रश्न होगा उसमें सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता की जाँच संबंधित प्रश्न होंगे। जो द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक भी 200 होगा, संख्या प्रश्न की 100, अवधि 2 घंटे होगी, निगेटिव मार्क दोनों चरणों में है 0.2, मतलब कि आपका जो है 5 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो छठा एक सही क्वेश्चन आपका हटा दिया जाएगा, इस तरह से माना जाएगा, इसे 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर जो है पुस्तिका वो 2 प्रति में होगी, 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन के बाद 6 गुना अभ्यर्थी को जो है आगे PET शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मौका दिया जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी प्रकार की मार्किंग नहीं है, वहाँ सिर्फ आप उसे पास करना है। अब मानिए कि आपकी मेधा सूची बन रही है, मेरिट लिस्ट में नंबर टाई हो गया, 2 बच्चे हैं, मान लीजिए अंकित है और महेश है, दोनों ने 80 अंक पाए, तो क्या होगा, मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा दोनों का डेट ऑफ बर्थ, जिनका डेट ऑफ बर्थ सीनियर होगा उसे सीनियर कर दिया जाएगा
और जो कम वाले होंगे उसे जूनियर कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ भी बराबर है अंकित और महेश का, तब क्या किया जाएगा? तो यह देखा जाएगा कि अंकित और महेश ने पढ़ाई कितनी की है। तो वैसे तो मिनिमम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है इस पद के लिए, अगर उसमें महेश ने MA किया है तो महेश को सीनियर कर दिया जाएगा और अंकित को जूनियर कर दिया जाएगा। लेकिन मानिए कि फिर अंकित और महेश दोनों ने 80 अंक प्राप्त किए और दोनों ग्रेजुएट ही हैं, फिर कैसे मेधा लिस्ट में उनका नाम होगा? तो उन्हें अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में, उस क्रम में अंकित को वरीयता मिल जाएगी और महेश बाद में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मेघा सूची का निर्धारण टाई होने पर किया जाएगा। अब अंतिम मेघा सूची में आने के लिए क्या है? न्यूनतम अर्हतांक जो है, अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो न्यूनतम 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34%, पिछड़ा वर्ग से हैं 36.5% और सामान्य कोटि में हैं तो न्यूनतम अर्हतांक आपका 40%। शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। उम्र क्या रखा है? अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए 20 से 37, पिछड़ा एवं अत्यंत वर्ग के पुरुषों के लिए 20 से 40, अनारक्षित सामान्य कोटि और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष का उम्र रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 से 20 वर्ष और अधिकतम जो है 42 वर्ष होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है पुरुष और महिलाओं की अधिकतम आयु वही रखी गई है जो अनारक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। आरक्षण का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। अगर बिहार राज्य से बाहर से हैं तो आपको सामान्य कोटि में ट्रीट किया जाएगा। ऊंचाई कितनी है? तो पुरुषों के लिए अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग तक 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 और न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम रखा गया है। सीना सिर्फ पुरुषों का नापा जाएगा। बिना फुलाए जो है अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों में एक्सपेंशन में तो छूट नहीं है, लेकिन बिना फुलाए 79 और फुला करके 84 होना आवश्यक किया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना अनिवार्य है। पुरुषों को 1 मील दौड़ 6.5 मिनट में, महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ 1 किलोमीटर दौड़ जो है 6 मिनट में पूरा करना है। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, पुरुषों के लिए 12 फीट लंबी कूद और महिलाओं के लिए 9 फीट लंबी कूद। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है पुरुषों को, 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक महिलाओं को। साथ ही साथ इस ब्लॉक में आप देख रहे हैं इसमें कोटिवार जो है या श्रेणीवार पदों की संख्या और महिलाओं के लिए जो पैरलर क्षैतिज आरक्षण पद 35% है उसके अनुसार पदों को बायफर्केट किया गया है। वह और इसके साथ साथ 2% जो है स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए भी क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आयु सीमा की छूट भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी, सरकारी सेवकों को मिलेगी। उनको क्या है, 3 वर्ष तक की निरंतर सेवा पूरा करते हैं तो 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने आयु सीमा की छूट तक देखा। ठीक सार्जेंट के पद के लिए भी वही सारी चीज़ें हैं जो ऊपर PSI के लिए दी गई है, उन सारी चीज़ों को ही रखा गया है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा PET जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसमें जो है थोड़ा सा बदलाव है। ऊंची कूद 4 फीट 6 इंच करना है पुरुषों को, महिलाओं को सेम है। लंबी कूद 15 फीट करना है पुरुषों को, महिलाओं के लिए सेम है। मतलब कि जो PSI के लिए है वही सर्जेंट के लिए भी। और गोला फेंक जो है 16 पाउंड का 20 फीट तक इसमें फेंकना है पुरुषों को, लेकिन महिलाओं के लिए ठीक उसी प्रकार PSI वाला 12 पाउंड का 10 फीट तक फेंकना है। पदों की भर्ती श्रेणीवार यहां पर दी गई है। महिलाओं का 35% जो है क्षैतिज आरक्षण है। स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नतनी के लिए 4 पद। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में सवाल हो सकता है, पूछा जाए कि बिहार में जो है महिलाओं के लिए एक क्षैतिज आरक्षण में कितने प्रतिशत सीटों का निर्धारण किया गया है, तो 35%। तो इस तरीके से आप सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। आप आंख नाक कान इंद्रिय जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसे खुला रखें। आयु सीमा की छूट ठीक PSI के अनुसार इसमें भी दी गई है। अब आवेदन क्या है? आवेदन आपको 16/8
से शुरू हो चुका है, 24/9 तक अंतिम तिथि है। वेबसाइट आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप पे पहुंच सकते हैं। अब जो है फॉर्म फिल करने के लिए जो शुल्क रखा गया है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला के लिए 400 और बाकियों के लिए 700 रुपये रखा गया है। आवेदन आपको भरते समय झूठी और गलत चीज़ें नहीं देनी है, नहीं तो आवेदन रद्द हो जाएगा। आवेदन करने से पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैध जो है ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल से ही आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा। जब आप पंजीकरण करेंगे तो उस समय आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई किया जाएगा। नाम के आगे किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगाना है आपको। साथ ही साथ राष्ट्रीयता भारतीय को घोषित किया गया है, जो भारतीय हैं वही भर सकते हैं। वैध सक्रिय मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है और एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। ईमेल आईडी भी व्यक्तिगत ईमेल आईडी डालना है और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। अब आप सबमिट कर देते हैं तब मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी का जो है बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा जब भी सत्यापन के लिए आप जाएंगे, और आप जिस श्रेणी के वर्ग में क्लेम कर रहे हैं, चाहे SC, ST, EWS, BC जिसमें भी हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लिंग पुरुष या महिला में टिक करेंगे। साथ ही साथ अगर बिहार गवर्नमेंट में है तो यस करिएगा, एक्स सर्विसमैन है तो भी यस करिएगा। और जन्म तिथि आपकी 1 जनवरी 2020 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी, जो तालिका में दी गई है। तालिका क्या है? सामान्य के लिए 20 से 37 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 20 से 40। SC ST का सिर्फ इसमें बदलेगा आपको। BC EBC में 20 से 40 पुरुषों का है, महिलाओं का 20 से 40 ही है, और SC ST में 20 से 42 पुरुषों का है और 20 से 42 महिलाओं का भी रखा गया है। तो इस प्रकार से ये सारी छूटें आपको मिलेंगी। आप फॉर्म भरते समय इसे आसानी से देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। जब आप एक बार पूर्णतः भुगतान करने जाएंगे, मतलब पेमेंट करने जाएंगे, उससे पहले आपको एडिट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप कोई गलती किए हैं तो एडिट कर लिए, सबमिट करने के बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप भुगतान नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। 700 और 400 का बाइफर्केशन इसमें रखा गया है। जब आप सफल हस्तांतरण भुगतान कर देते हैं तो आपके पंजीकृत मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक पंजीकरण संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से ही आपका कम्युनिकेशन समझा जाएगा आगे। अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आप अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। अब क्या है, मान लीजिए आप पंजीकरण कर लिए और गलत हो गया तो पंजीकरण रद्द करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। रद्द करने के बाद आपको जो पंजीकरण शुल्क है वो वापस नहीं किया जाएगा, इसमें बता रहा है। तो आप पंजीकरण रद्द करके दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए http://apply.bpssc.com पर जाकर के व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके सबमिट बटन करिए। अपना मोबाइल नंबर, जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद कैंसिल रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं। और आपको ग्रेजुएट होना जो है 1 अगस्त 2020 या इससे पहले ग्रेजुएट होना अनिवार्य किया गया है, या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी कि अगर आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसके बाद आपको फॉर्म को रिजेक्ट करना होगा। और फॉर्म भरते समय आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर भी स्कैन करके रखना है JPG या PNG फॉर्म में। फ़ोटो का 25 KB से ज़्यादा कर 25 KB से कम नहीं होनी चाहिए फ़ोटो का साइज, और साइज़ जो है 3.5 cm × 4.5 cm होना चाहिए। 2 माह के भीतर खींचा होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। दोनों कान स्पष्ट होने चाहिए। टोपी एवं काला रंगीन चश्मा वगैरह आप पहने हुए ना रहें। उसी प्रकार से आप हस्ताक्षर को स्कैन कर लेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को, और उसे वो भी 25 KB से कम की साइज़ का नहीं होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 24/9/2020 है, उससे पहले आप आवेदन भर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर गलत हो जाता है तो आपको फिर रिजेक्ट करके, रद्द करके फिर से आप उसे फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस किया। किसके बारे में? तो सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में जो दी गई हैं, कैसे भरना है, क्या क्या मेधा सूची बनेगी, कितने लोगों का मेधा सूची में नाम आएगा, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्पष्टता से यहाँ देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।